देखो क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखना, काफी लेंथी क्वेश्चन है वाला, ठीक है? तो ध्यान से देख लेना। ठीक तो कंपनी ने इनवाइट करा है 50,000 इक्विटी शेयर के लिए। कितने शेयर? 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज का एक शेयर है। 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे और 4 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। कितनी डिमांड आ गई बताओ? कितने शेयर की डिमांड आ गई? 1,10,000 शेयर की डिमांड आ गई। अब देखो क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर। आप कितने शेयर बेचने के लिए निकले? 50,000। कितने शेयर की डिमांड आ गई? 1,10,000। कैटेगरीज बनाओ इसके अंदर, सबसे पहले आओ मेरे साथ। यहाँ पर एक कैटेगरी बनेगी किसकी? एप्लीकेशन की, लिखो मेरे साथ। और एक टेबल बनेगी किसकी? अलॉटमेंट की, जिसके अंदर पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी? जिसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसको कोई भी शेयर नहीं दिया ना, ये लिखा है ना, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट। हाँ, जिसने मेरे से 10,000 एप्लीकेशन की बात करें तो कितनी एप्लीकेशन है? 1,1,1,2,3,4, 1,10,000 शेयर। अलॉटमेंट की बात करें तो हम कितने शेयर्स दे सकते हैं इनको? मैक्सिमम 50,000 शेयर्स भी तो दे सकते हैं। तो ठीक है ना? तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन कितनी, फर्स्ट कैटेगरी क्या बोली? जिसने 10,000 शेयर के लिए डिमांड करा, हमने उसको कोई भी शेयर नहीं दिया। ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन को, मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार में सारा समझ जाना। ध्यान से आगे, टू अलॉट 50% शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 20,000 और मोर शेयर्स। ठीक है, तो 20,000 जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, मैंने उसको कितने शेयर्स दिए? 50% शेयर। तो सेकंड कैटेगरी की बात करूंगा, आपने अप्लाई करा 20,000 शेयर्स के लिए, मैं सिर्फ आपको कितने शेयर्स दे रहा हूँ? 10,000 शेयर। कैटेगरी नंबर 3 क्या लिखा है? ओनली पवन हैज अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। तो यहाँ पर टू अलॉट 50% शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर शेयर। तो जिसने 20,000 शेयर्स या 20,000 से ज्यादा शेयर्स मांगे, उसको मैं कितने शेयर्स दूंगा? टू अलॉट 50% शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर शेयर्स। तो जिसने 20,000 शेयर्स मांगे, मैं उनको भी कितने शेयर्स दे रहा हूँ? 10,000। और जो 20,000 से भी ज्यादा डिमांड कर रहा है, उसको भी मैं सिर्फ कितने शेयर्स दे रहा हूँ? 10,000। ओनली पवन हैज अप्लाइड फॉर, सिर्फ पवन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था? 20,000 शेयर। बाकी सबने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा? मोर देन 20,000 शेयर। तो मैं कितने शेयर दूंगा ना? 10,000 शेयर भी दूंगा। टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर बट लेस देन 20,000 शेयर। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर बट लेस देन 20,000 शेयर। ओनली प्रफुल हैज अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर। तो यहाँ पर देखो, टू अलॉट इन फुल पूरे पूरे शेयर्स दूंगा किसको? टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर। तो जिसने 10,000 शेयर्स मांगे, उसको पूरे 10,000 शेयर्स मिल गए बट लेस देन 20,000 शेयर्स। लेकिन इनको मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा शेयर्स। ओनली प्रफुल हैज अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर। तो बाकी सबने किससे ज्यादा करा होगा? किससे ज्यादा करा होगा? 20,000 शेयर से ज्यादा करा होगा, है ना? समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे? देखो ना, टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर। जिसने 10,000 शेयर मांगे, उसको पूरे 10,000 शेयर दिए बट लेस देन 20,000 शेयर। मतलब जिसने मेरे से 10,000 शेयर से ज्यादा मांगा या और 20,000 से कम, 10,000 से ज्यादा 20,000 से कम, मैं उसको पूरे के पूरे शेयर दूँ। ओनली प्रफुल, प्रफुल ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा? 10,000 शेयर के लिए। तो कैटेगरी क्या है? मोर देन 10,000, लेस देन 20,000। और प्रफुल ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा है? 10,000 शेयर्स के लिए। तो बाकी सब ने किसके लिए अप्लाई करा था? हाँ ठीक है, तो पूरा जो 10,000 जिसने मांगा, उसको मैंने पूरे 10,000 शेयर्स दिए ना। जिसने 10,000 शेयर्स मांगे, मैंने उसको 10,000 शेयर्स दे दिए। पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा चेंज हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, नई बुक के अंदर। टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट। तो बाकी के शेयर्स कितने बचे, एप्लीकेंट्स कितने बचे? देखो, 1,10,000 में से 10,000 चले गए, 1,20,000 चले गए, 80,000, 10,000 चले गए कितने? 70। 70,000 एप्लीकेंट्स को क्या मिलेगा? 50,000 शेयर्स थे जिसमें 20,000 चले गए,
तो कितने मिलेंगे, 30,000 शेयर, है ना। यही तो बचे ना आपके पास भाई, टोटल आपके पास 50,000 शेयर थे, 10-10 हज़ार शेयर आप दे चुके थे, अब से कितने शेयर बचे, 30,000 शेयर। तो ये आपकी कितनी कैटेगरीज बन गई, 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज आपकी बन गई, ठीक है। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट अलॉट इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो एक्सेस मनी जो आई ना आपके एप्लीकेशन के टाइम पर, उसको किस चीज के लिए यूटिलाइज करोगे, अलॉटमेंट के लिए भी यूटिलाइज करोगे और फाइनल कॉल के लिए भी यूटिलाइज करोगे। पास द जनरल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। जनरल एंट्री सिर्फ कहाँ तक पास कर दिया, अलॉटमेंट की, इफ टोटल अमाउंट ड्यू ऑफ अलॉटमेंट इज रिसीव, ठीक है। तो एंट्री सिर्फ कहाँ तक के पास करनी है आपको, अलॉटमेंट की। फर्स्ट कॉल भी हमने मंगवाई है, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास नहीं कर दी। इतनी सी बात क्लियर हुई मेरी, नहीं हुई, ठीक है। चलो, तो क्या हमने यही कैटेगरी बनाई है, जिसने 10,000 शेयर्स मांगे हमने उसको कुछ नहीं दिया, जिसने 20,000 शेयर्स मांगे हमने उसको 10,000 शेयर्स दिए, जिसने 10,000 मांगे 10,000 दिए, जिसने 70,000 मांगे 30,000। बोलो पहले ये बताओ ये कैटेगरी सबको क्लियर है कि नहीं, फिर मैं क्वेश्चन करवाने स्टार्ट करता हूँ, पूरा क्वेश्चन पे करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वो तो छोड़ना, पहले ये सब डन हुआ, ये सब डन हुआ पक्का। चलो समझते हैं, ध्यान से देखना मेरे साथ, क्या क्या थी इंस्टॉलमेंट, कैसे कैसे था, तीन तीन चार, तीन तीन चार था ना, तीन तीन चार। अब एक बात बताओ, पहले वाले केस के अंदर ये बंदा आया कितने शेयर मांगने के लिए, 10,000 शेयर, हमने इसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो जो इसके एप्लीकेशन के पैसे जो आए थे वो वापस करेंगे बैंक से रिफंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना बैंक से वापस कर दोगे, 30,000। लिखो जल्दी से, समझ पा रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे, बैंक से इसको क्या कर दोगे, रिफंड 10,000 × 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 का आप इसको क्या दे दोगे, रिफंड। क्या इस वाले केस में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा क्या, नहीं। सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस किसमें होगा, सेकंड वाले में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और फोर्थ वाले में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है बस। अबे बैंक से रिफंड कर देगा ना, उसने 10,000 शेयर मांगे, तूने शेयर दिए, तो वो एप्लीकेशन मनी के पैसे तो दे दिया होगा ना, अप्लाई तो कर ही दिया है ना उसने, तो तूने क्या बोला, सॉरी जी आपको एक भी शेयर नहीं मिला, ना 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 ना। तो ये 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन जो आई, तो 30,000 की एप्लीकेशन मनी मैंने क्या कर दी, वापिस कर दी उसको, ठीक है। चलो चलिए जी पढ़े आगे। अब देखो इसके अंदर केस होएगा सबसे पहले किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो खेलते हैं इसके साथ। देखो सेकंड कैटेगरी क्या थी, 20,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देकर के एप्लीकेशन के, 60,000 शेयर देकर गया, 60,000 शेयर देकर गया किस पे, एप्लीकेशन के। एक्चुअल में हमें कितने चाहिए थे, 10,000 × 30, 30,000। 30,000 हमारे पास क्या थे, एक्सेस, इसको किस पे यूटिलाइज कर लेंगे, अलॉटमेंट। तो 10,000 × 3 रुपए के हिसाब से 30,000 की अलॉटमेंट थी, निल हो गया। अगर मैं देखूँ अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आ गया, यही तो एडवांस है ना अलॉटमेंट का, तो एक अलॉटमेंट का एडवांस कितने का हो गया, 30,000। ये किस टाइम पर आ गया, एप्लीकेशन के टाइम पर। तो एप्लीकेशन के टाइम पर जो पैसे जो आए उसमें से 30,000 तो एक हमें वापिस करना है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, और ये जो दूसरी कैटेगरी बनी इसमें 30,000 किसका एडवांस आ गया, अलॉटमेंट का। तो ये किसका एडवांस है, एडवांस ऑफ अलॉटमेंट रिसीव, बनाओ ना। हाँ नहीं वापस नहीं कर देना, जनरल एंट्री में तो दिखाना पड़ेगा ना कितना एडवांस है हमारे पास, करो लिख नहीं दे। जो कैटेगरी ये वाली जो थी 20,000 और 10,000 वाली कैटेगरी नंबर टू, इसका क्या करना है, क्या हुआ, हाँ तो करो, लिख लिया इसको, एप्लीकेशन पर आए 60,000, हमने इसको सिर्फ 10,000 शेयर दिए, तो सिर्फ हमें 30,000 चाहिए थे, एक्सेस मनी कितना है, 30,000, इसको हमने यूटिलाइज कर लिया, किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए हमने यूटिलाइज कर लिया। तो एप्लीकेशन पे सेकंड कैटेगरी का 30,000 का अलॉटमेंट का एडवांस आ गया, क्या ये एडवांस ऑफ अलॉटमेंट रिसीव,
ठीक है, डन, किसी को दिक्कत अभी, सही है ना। अब थर्ड कैटेगरी भाई, इसमें तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं है ना, इसमें मांगे 10,000 शेयर, 10,000 शेयर दिए। अब देखो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, कितने शेयर्स मांगे थे इन्होंने, 70, हमने कितने शेयर्स दिए, सिर्फ 30। अब चलो देखो पूरी सेम वही चीज चल रही है बार बार, 70,000 शेयर्स के हिसाब से कितने पैसे देकर गए, एप्लीकेशन बनी कितनी आई हमारे पास, एप्लीकेशन बनी आई हमारे पास 2, 1, 1, 2, 3, 4, 2,10,000 रुपये आए। एक्चुअल में अगर मैं देखूँ मैंने कितने शेयर्स दिए, 30,000 × 3 के हिसाब से कितने रुपए चाहिए, देखो 90,000। एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस मनी एक लाख 20,000, एक्सेस मनी हो गया। इस मनी को किसमें यूटिलाइज कर लेंगे, अलॉटमेंट पर, 30,000 × 3, 90,000 कितना हो गया जी, 30,000 एक्सेस हो गया। फिर बात करते हैं जी फर्स्ट कॉल की, बोल रहा है ना जो एक्स्ट्रा मनी जो आएगी वो अलॉटमेंट पे भी डाल दो, फर्स्ट कॉल पे भी डाल दो। फर्स्ट कॉल कितने की थी, 30,000 शेयर्स है, 4 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल एक्चुअल में कितने की थी, 1,20,000 की थी ना, लेकिन हमारे पास सिर्फ कितने एक्सेस, 30,000। तो अगर मैं इस कैटेगरी में देखूं मुझे अलॉटमेंट का कितना एडवांस मिल गया, 90,000 है ना, 90,000 अलॉटमेंट में मिल गया ना एडवांस। और अगर देखूं फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना मिल गया, 30,000। पहले इसको सॉल्व तो करो, लिख लिया इसको, इतने पैसे आए, एप्लीकेशन में कितने चाहिए थे, एक्स्ट्रा कितने रह गए, अलॉटमेंट में कितने यूटिलाइज हो गए, और उसके बाद फिर भी कितने पैसे रह गए एक्स्ट्रा, ये किस में चले जाएंगे, बस ठीक है, बस ये अलॉटमेंट मनी आ गई 90,000 की, और ये फर्स्ट कॉल आ गया 90,000, 30,000 का। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो पहली वाली जो कैटेगरी जो थी उसमें टू बैंक आया था रिफंड करके कितना, 30,000। सेकंड वाली जो कैटेगरी थी उसमें अलॉटमेंट के कितने पैसे आए थे एक्स्ट्रा, जल्दी बताओ, है 30,000 है, और तो कुछ नहीं था। थर्ड वाली कैटेगरी में कुछ था ही नहीं, एडवांस के नाम पर कुछ भी नहीं था। और फोर्थ वाली कैटेगरी की बात करूं तो इसमें अलॉटमेंट के कितने एक्स्ट्रा थे, 90,000, और फर्स्ट कॉल के कितने थे, 30,000। तो अगर मैं अलॉटमेंट के देखूं 30 + 90 कितना हो गया, 1,20,000, और बैंक से 30,000 का वापसी, और फर्स्ट कॉल कितनी, 30,000। अब देखो आगे फटाफट से ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, बैंक से कितना रिफंड करेंगे 30,000, अलॉटमेंट टोटल मिला के कुल मिला के कितना एडवांस हो गया, 1,20,000 का, और फर्स्ट कॉल कितनी हो गई, 30,000। नोट करो जल्दी, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे। हाँ जी मुश्किल है, तू कह रहा था भैया टेबल बना के ऐसा मुश्किल हुआ, वो मुश्किल हुआ, मुश्किल तो नहीं है, ठीक चलो करें जी जनरल एंट्रीज को उतार कर लिया, आ गया समझ। फर्स्ट कैटेगरी में बैंक से रिफंड कर दिया क्योंकि उन्होंने हमसे 10,000 शेयर्स मांगे, हमने कुछ नहीं दिया। दूसरी कैटेगरी में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में कितने पैसे आए, 30,000, जो अलॉटमेंट में डाल दिए। थर्ड में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था ही नहीं। फोर्थ वाली कैटेगरी में अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा पैसे आ गए 90,000, फर्स्ट कॉल के कितने आ गए, 30,000। अब पास करेंगे हम लोग जनरल एंट्री से। सबसे पहली जनरल एंट्री में बताओ कितनी एप्लीकेशन आई हमारे पास, 1,10,000, और इसमें 3 रुपए के हिसाब से टोटल कितने आए, 3,30,000, 3,30,000 आया। एप्लीकेशन टोटल कितनी आई थी ना, 1,10,000 की एप्लीकेशन थी ना, उसपे 3 रुपीज के हिसाब से हमारे पास शुरू शुरू में कितने पैसे आ गए, 3,30,000। हमें कितने चाहिए थे इस वाली स्टेज पे, भाई हमारे पास तो 50,000 शेयर भी थे, और 3 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में कितना डालना था, 1,50,000। अलॉटमेंट के कितने एक्स्ट्रा पैसे आ गए, 30 + 60,
30+90, सॉरी 30+90 120,000 लिख दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा। कॉल्स इन एडवांस कितनी आ गई, फर्स्ट कॉल कितनी आ गई 30,000, और बैंक से कितना रिफंड कर दिया। यही सबसे मेजर एंट्री थी जिसके लिए हमने अपनी सारी वर्किंग करी। जिसको नहीं समझ में आई पूछो जल्दी से। ये सारी वर्किंग सिर्फ इसी एंट्री के लिए करी है। ये एंट्री अगर ठीक तो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी एंट्री के। हाँ जी, मुश्किल के इजी इजी ना, इजी ना। बैंक नीचे क्यों आया, एक्स वापस कर रहे हैं ना, तो कंपनी के तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, तो एसेट है कम होएगा तो क्रेडिट नहीं करेगा। अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट एक तरीके से हम क्या बोलते हैं कि सामने वाले से पैसे, कौन सा सेकंड कैटेगरी में कैसे आया 30,000। दिमाग लगाओ, लिख, नोट नहीं करा कितने शेयर्स मांगे थे सेकंड कैटेगरी में। हाँ कितने शेयर्स मांगे थे, अरे सेकंड कैटेगरी में कितने शेयर्स मांगे थे, और 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दिए उन्होंने हमें, हमने उनको कितने शेयर्स दिए 10,000 ना, तो हमने कितने पैसे यूटिलाइज करे 30, एक्स्ट्रा कितने पैसे आ गए 30,000, और वो 30,000 किस में यूटिलाइज हो गए, अलॉटमेंट में। टेबल वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, टेबल से आप लोग क्या हो जाओगे कंफ्यूज। हम यहाँ पे करके ऐसे ये टेबल सी बना रखी है, इसके अंदर से रोज तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, कोई जरूरत नहीं है आपको इसको। जैसे ये कर रखा है आपने, वर्किंग रूल्स बना रही है। अरे टेंशन भी लेते हो तुम लोग, अभी जब मैंने ऐसे तो बना के तुम्हें समझा दिया ना, तो एग्जामिनर तो फिर कुछ पढ़ा लिखा होगा तुम्हें तो अभी नॉलेज नहीं थी ना, फर्स्ट टाइम तुम पढ़ रहे थे है ना, उसने तो कितनी बार अकाउंट्स की कॉपी चेक कर ली होगी, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है। ठीक है चलो, अब देखो शेयर अलॉटमेंट की अगर हम बात करें, कितने पैसे आने थे अलॉटमेंट के, सर 30-50,000 हमारे पास शेयर थे, 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे ड्यू करे आपने 1,50,000। लेकिन ध्यान रखो ऊपर कितने पैसे आ गए 1,20,000 ना, 1,20,000 आ गए थे, तो अब सिर्फ कितने आएंगे 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे डाले आप लोगों ने 30,000। टोटल कितने आने थे 150, ऊपर कितने आ गए 120, तो अब सिर्फ कितने आएंगे 30,000। ठीक है, तो आपके पास कितने शेयर थे 50,000, तो अलॉटमेंट वालों से कितने पैसे मंगवाने थे अलॉटमेंट पे 3 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे ड्यू करे 1,50,000। 1,50,000 आपने ड्यू करा ना, अलॉटमेंट एडवांस कितना आ चुके अलॉटमेंट को, तो आप कितने आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना 30,000 कैसे आए ये 150 में से, 120 तो पहले ही आ गए ना एप्लीकेशन के टाइम में, तो ऑलरेडी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, ऑलरेडी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। ये सब तो आ गया फर्स्ट टाइम में समझ में, बस इतनी एंट्री पास करनी है। क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। अगर आप फर्स्ट कॉल की भी करके आते हैं तो सोचते हैं एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, नहीं, पूछा था अलॉटमेंट तक, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही करके आनी। आ गया, बस घर जाके प्रैक्टिस करते रहो। अभी वाला केस तो सबसे सिंपल है, कौन सा केस है ये, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता था, हमने 50,000 शेयर्स है हमारे पास, लेकिन डिमांड आ गई 1,00,000 शेयर की, उसको बोलते थे ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, हम बेचने के लिए कितने शेयर्स निकले 50,000 शेयर्स, और हमारे पास डिमांड आई 10,000 शेयर की, 20,000 शेयर की, 30,000 शेयर की, उसको क्या बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ, मतलब जितना आप बेचने के लिए गए वो नहीं बिका, उससे कम बिका। 49,000 शेयर्स बिक गए, 45,000 शेयर्स आप लोगों के सब्सक्राइब हो गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ
शेयर्स। देखो अब इसका क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या लिखा हुआ है देखो, सर्वोत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर कितने शेयर्स बेचना चाहता था ये, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अमाउंट वॉज पेबल 3 रुपीज आप हमें एप्लीकेशन पे दे दो, 4 रुपीज आप अलॉटमेंट पे दे दो, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आप बैलेंस दे देना। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 3 रुपीज। बैलेंस कितना हो जाएगा, 3 रुपीज, 3 पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 37,500 शेयर, तो 40,000 शेयर आप बेचने के लिए निकले, कितने शेयर बिके, 37,500। अशोक टू हुम 1,000 शेयर वर अलॉटेड है ना, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑल्सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अशोक जिसको हमने कितने शेयर दिए थे, 1,000 शेयर, उसने क्या क्या नहीं पे करा, अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे करी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे करी। सोहन हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस के अंदर हम वो वाला फॉर्मूला लगाते थे कि इसने इतने शेयर के लिए अप्लाई करा तो हमने उसको कितने शेयर अलॉट करे, अगर हमने उसको इतने शेयर अलॉट करे तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, है ना, वो चीज सीखी थी। वो किसमें लगता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे तो जिसने जितने शेयर मांगे हमने उतने शेयर दिए ना, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ही नहीं ना, तो यहाँ पे आपको वो वाला फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत थी, तो इसलिए वाला केस हो जाता है सबसे सिंपल, तो इसका क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है ना। सोहन वो अप्लाइड फॉर 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो चलो कर लेते हैं इसका, बहुत सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, भाई कितने शेयर बिके हैं, 37,500, तो 40,000 से नहीं करना, 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करो एप्लीकेशन में, तो कितने रुपीज आएंगे, 1,12,500। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने पैसे चले गए आपके, यही 1,12,500। अलॉटमेंट कितनी ड्यू करोगे आप लोग, 37,500, 40,000 इंटू 4 मत कर देना, 37,500 से होगा, जितने लोगों ने तुमसे अप्लाई करा शेयर उनसे ही तो अलॉटमेंट मांगोगे ना, जिन्होंने 2,500 जिसने खरीदा ही नहीं उससे थोड़ी ना अलॉटमेंट मांगोगे, जिन्होंने शेयर्स के लिए इंटरेस्ट दिखाया उनसे क्या मांगा आपने अलॉटमेंट, तो 4 रुपीज के हिसाब से 1,50,000, 1,50,000। लेकिन अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे ध्यान से देखना, अशोक जिसको आपने 1,000 शेयर दिए थे डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, तो 1,000 इसने भी अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, एंड सोहन वो अप्लाइड इसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, तो 1,000 शेयर के ऊपर हमारे पास अलॉटमेंट मनी नहीं आएगी, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4 के हिसाब से कितने आने थे, 1,50,000, 4,000 नहीं आए, तो 150 में से 4,000 माइनस करोगे तो कितने आ गए, 1,46,000। बात समझे नहीं समझे, बिकॉज एक बंदा था कौन, अशोक, उसने 1,000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं पे करे, तो 1,000 इंटू 4 के हिसाब से उसने 4,000 पे नहीं करे ना, और तुम्हें कितने पैसे लेने थे अलॉटमेंट के, 1,50,000, तो 4,000 माइनस करोगे तो कितने आ गए, 1,46,000। फर्स्ट कॉल कितने की थी, वही 37,500 इंटू में 3 के हिसाब से, बैंक में कितने पैसे आएंगे, देखो अशोक था उसने क्या क्या नहीं पे करा था, अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे करी थी एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी थी, और सोहन ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी थी 500 शेयर्स के ऊपर, तो ध्यान रखना है यहाँ पर 1,000 शेयर्स जो अशोक के थे उसने भी पैसे नहीं दिए, 500 शेयर्स सोहन उसने भी पैसे नहीं दिए, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 4,500, 4,500 हो जाएगा, तो 1,12,500 में से 4,500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,08,000। तो यहाँ पे अशोक ने 3,000 रुपये नहीं पे करे और 1,500 किसने नहीं पे करे, सोहन ने, तो कुल मिला के कितने हो गए, 4,500 नहीं पे हो फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे आने थे 1,12,500, उसमें माइनस कर दो 4,500 जो नहीं आए तो कितने आ गए, 1,08,000, ठीक है। चलो बस इसमें एक चीज ख्याल रखना कि कौन पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसको करेंगे बाद में, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, कॉल्स इन एरियर्स, देखो कॉल्स इन एरियर्स सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर्स, कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट बाद में करवा दूंगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में, बाद में करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स की हम बात करें तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो सामने वाले ने नहीं दिया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। एरियर्स का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, मतलब सामने वाले को पैसे देने थे और उसने पैसे हमें पे नहीं करे,
So if a shareholder does not pay the call amount due on allotment or any calls according to the terms, the amount so not received is called calls in arrears. So अगर किसी पैसे ने किसी बंदे ने shareholders ने कुछ पैसे हमें pay नहीं करे, ठीक है, चाहे वो allotment के हो, चाहे वो first call या second call के हो, तो जो पैसा नहीं मिला ना उसको क्या बोलेंगे, calls in arrears. Okay. The company is authorized by articles of association may charge interest at the specified rate on calls in arrears from the due date to the date of payment. अब अगर कंपनी चाहे तो, मान लो एक शेयर होल्डर था राम, उससे मेरे पास पैसे आने थे अलॉटमेंट के और कॉल्स के, उसने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो कंपनी अगर चाहे तो, कंपनी के पास वो पैसे आने थे ना, उसने पैसे नहीं दिए, कंपनी चाहे तो उसके ऊपर क्या लगा सकती है, इंटरेस्ट. क्या लगा सकती है, इंटरेस्ट. शेयर होल्डर पे क्या लगाएगी, इंटरेस्ट. कि जो ड्यू डेट थी तूने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो ड्यू डेट से उसके ऊपर क्या लगने लग जाएगा, इंटरेस्ट. और कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 10%. तो यहाँ पे तुम्हारा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा, तो कॉल्स इन एरियर्स का कितना इंटरेस्ट हो सकता है, 10%. तो सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, अभी हमें क्वेश्चन में लगाना नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए कि इंटरेस्ट ले सकती है कंपनी किसके ऊपर, कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर, और कितना लेती है बाय डिफॉल्ट, 10%. तो अभी अगर आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो जो वो पैसे नहीं देता, तो आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, या फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है करो, नहीं करना मत करो. जैसे कि देखो, अकाउंटिंग फॉर कॉल्स इन एरियर्स, देर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कॉल्स इन एरियर्स. तो अगर कभी ऐसा होता है, अभी जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा ना, जिसके अंदर क्या था, अशोक था और सोहन था, अशोक ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, सोहन ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो जितना वो पैसे नहीं दे रहे ना, उसको किस अकाउंट में डाल सकते हो, कॉल्स इन एरियर्स. किस अकाउंट में डाल सकते हो, कॉल्स इन एरियर्स. अभी हमने जो क्वेश्चन करा, क्या हमने उसमें वहां पे जनरल एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स लिखा था, नहीं, तो हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं ओपन करा था. तुम चाहो तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर सकते हो. कैसे ओपन करते हैं, तो देखो, जो हमने अभी पीछे जनरल एंट्री पास करी थी सोहन अशोक, तो जनरल एंट्रीज में कुछ कॉल्स इन एरियर्स हमने लिखा था, नहीं लिखा था ना, तो हमने विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करें, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था. आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी ओपन कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल क्या है. तो यहाँ पे जैसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. बेंटेक लिमिटेड कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल थी, 12,50,000 डिवाइडेड इनटू 12,500 शेयर, 12,500 शेयर ऑफ ₹100. तो मैक्सिमम कितने शेयर ये बेच सकता था स्टॉक मार्केट के अंदर, 12,500. इसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल. लेकिन कंपनी अभी सिर्फ मार्केट में कितने शेयर्स इशू कर रही है, 10,000. इसके पास 12,500 शेयर्स हैं, लेकिन अभी मार्केट में सिर्फ कितने शेयर्स बेच रही है, सीधा ओके बैठ सीधा एक, तो कितने शेयर्स बेच रहे हैं, 10,000 शेयर. 25 ऑन एप्लीकेशन पे लेगा, ₹100 का एक शेयर है ना, ₹25 अलॉटमेंट पे लेगा, ₹30 फर्स्ट कॉल पे और ₹20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर. तो 25, 25, 50, 30 और 20, 50, टोटल ₹100 हो गए. All the shares were subscribed, तो 10,000 shares थे, सारे बिक गए. Allotment was made and the money was duly received, except देखो कौन सा पैसा नहीं आया, except the second and final call on 500 shares. तो second call जो कि कितने की थी, ₹20 की, उस पे एक शेयर होल्डर था, उसने कितने पैसे नहीं दिए, 500 shares के पैसे नहीं आए. तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20, कितने रुपए लिए आए बोलो, 10,000. कितने शेयर, कितने पैसे नहीं आए आपके पास, 10,000 नहीं आए ना आपके पास, 10,000. Which is transferred to इस पैसे, जो नहीं आया उसको किसमें ट्रांसफर कर दोगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. अब क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि आप क्या, कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आपको ओपन कर रहा है. अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो आपकी मर्जी है, ओपन करना है करो, नहीं करना मत करो. अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो आप ओपन करेंगे. देखो कैसे करेंगे, पहली एंट्री में क्या होगा, एप्लीकेशन कितने के लिए, ₹25 की थी ना, तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25 कितने रुपीज आ गए, 2.5 लाख. उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में. अलॉटमेंट ड्यू हो गई कितने से, 2,50,000 से, और टोटल कितने पैसे आ गए, 2,50,000. फर्स्ट कॉल कितने की थी भाई, 30 × 10,000 शेयर के हिसाब से 3 लाख की थी, 3 लाख रुपए आ गए. मेन कहाँ था, सेकंड कॉल. सेकंड कॉल में 500 शेयर के ऊपर पैसे नहीं आए, तो ड्यू कितना करना था भाई, ₹20 की थी ना,
और 10,000 शेयर्स थे, कितने आने थे? 2 लाख रुपीज। कितने नहीं आए? 10,000 नहीं आए ना, तो इसके लिए क्या ओपन करोगे? कॉल्स एंड इजेट्स अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे डेबिट करे आपने? 1,90,000 जो आ गए। कॉल्स एंड इजेट्स में कितने डेबिट करे? देखो 10,000 जो नहीं आए, और शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितने पैसे डाले? 2 लाख। वरना हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,90,000, 1,90,000। अगर ये अकाउंट नहीं आपको ओपन करना तो आप कैसे करते 1,90,000 और 1,90,000। लेकिन अभी हमने क्या करा यहाँ पर, 1,90,000 कॉल्स इन एरियर, 10,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना, ठीक है। तो इट्स योर मर्जी। अभी क्वेश्चन में बोला शेयर कैप का, वो शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, तो हमने ओपन करा, लेकिन बाद में आपकी मर्जी होगी अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा तो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर चलो कैश बुक भी आपको उसी क्वेश्चन में समझा देंगे थोड़ा सा। तो अब क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और क्या मिलेगा, कॉल्स इन एजेंट्स भी मिल जाएगा। देखो जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 27, अल्फा कंपनी लिमिटेड इशूड कितने शेयर्स? 1 लाख और 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 10 रुपीज का शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम, टोटल कितने पैसे चाहिए? 12। कैसे ले रहे हैं? देखो एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 4 रुपए ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसको स्प्लिट कैसे करोगे? 2 प्लस 2, तो शेयर कैपिटल के 2 और प्रीमियम के कितने? 2 रुपए। तो इसको स्प्लिट कैसे करोगे? 2 प्लस 2, 2 रुपए शेयर कैपिटल के हैं, 2 रुपए प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे कितने आए? 2 रुपीज। एंड फाइनल कॉल पे कितने आए? 3 रुपीज। तो 3 प्लस 4 प्लस 2 कितने हो गए? 9, और प्लस 3 12 पूरे हो गए। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की रिसीव्ड हुई बोलो? 65,000। तुम्हारे पास 50,000 एप्लीकेशन आई, 65,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। अब देखो कैटेगरीज बन गई, देखो देखो कैटेगरीज बनाओ। एक कैटेगरी बनी अप्लाई अलॉट, अप्लाई एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई है, कितने शेयर्स की आई है? 65,000। अलॉट कितने करने हमें? 50,000। कब बनाओगे है? देखने लग जाते हो बस, सत्संग की तरह सुन लो बस। चलो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? एप्लीकेशंस फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो जिसने 40,000 शेयर्स के लिए डिमांड करा उसको पूरे हमने कितने शेयर्स दे दिए? 40,000 शेयर्स दे दिए। आगे 10,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स। तो जिसने 20,000 के लिए अप्लाई करा उसको मैंने कितने शेयर्स अलॉट करें? 10,000 शेयर्स। एंड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 वर रिजेक्टेड। तो जिसने 5,000 मांगा मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। अब कुछ बचा क्या? 40, 50, 60, 65 पूरा हो गया और यहाँ पे पूरा 50 हो गया। तो 3 कैटेगरीज आपकी बन गई। जिसमें मैं बात करूँ, फर्स्ट में तो कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, यहाँ से सीधा बैंक के रिफंड है। 5,000 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए की थी एप्लीकेशन? 2 रुपीज, 3 रुपीज की थी। तो यहाँ पे 3 के हिसाब से कितना रिफंड हो गया बैंक से? 15,000। और सिर्फ गेम किसके साथ खेलना है? इसके साथ। तो इसने 20,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने दिए? 60,000। हमें कितने चाहिए थे? 30,000। अब तो कर लोगे, 30,000 क्या है? एक्सेस। और ये एक्सेस मनी किस में जाएगी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी कितने पैसे चाहिए थे? 10,000 इंटू 4, 40,000 चाहिए थे। 30,000 आ गए ना बस हमारे। तो ये बस ध्यान रख के चलो, बैंक से कितना वापस करना है? 15,000। और अलॉटमेंट के कितने एक्सेस आ गए? 30,000। देखो क्या लिखा, अमाउंट्स ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट। तो जो अमाउंट ड्यू थे वो मिल गए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल ऑन 1,000 इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट कॉल किस पे नहीं मिली? 1,000 इक्विटी शेयर पे। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपीज के हिसाब से। एंड फाइनल कॉल ऑन, तो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले ना? 1,000 शेयर के ऊपर पैसे नहीं आए, 1,000 × 2, 2,000 रुपीज नहीं आए। एंड फाइनल कॉल पे 1,500 शेयर पे पैसे नहीं आए, 1,500 × 3, 4,500।
तो अब आपको क्या करनी है, आपको कैश बुक भी बना के दिखानी है और आपको जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। पहले हम क्या पास कर लेते हैं, जनरल एंट्री पास करते थे, कितने शेयर्स की डिमांड आई थी, कितने, सिक्सटी 65,000 शेयर्स की डिमांड आई थी हमारे पास, हमारे पास 50,000 शेयर्स, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हाँ यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट थ्रू करके जनरल एंट्री क्यों नहीं पास करी इन्होंने, डायरेक्ट वैसे करके दिखा दिए क्या नहीं। यहाँ पे दिखाया ना इन्होंने कैश बुक के अंदर, देखो अगर पैसे आते हैं तो कैश बुक में क्या होते हैं, डेबिट, और जाते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। ये तुमने क्लास 11th में पढ़ा था। सबसे पहले तुम्हारे पास एप्लीकेशन के कितने पैसे आए होंगे, एप्लीकेशन कितने शेयर की थी, 65,000 इंटू 3 के हिसाब से आपके पास पैसे आए होंगे ना, कितने पैसे आए, 1,95,000। और इसके अंदर अलॉटमेंट का कितना एडवांस आ गया था बोलो ना, कितना एडवांस आ गया था, 30,000। अरे अभी तो निकाला, बोलते ही नहीं हो। अलॉटमेंट के कितने पैसे ड्यू थे भाई, 50,000 शेयर थे आपके पास, इंटू में 4 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेना था, 2 लाख, उसमें से 30,000 आ गया तो कितने पैसे आएंगे, 1,70,000। इसमें तो पूरे पैसे मिले ना हमें, इसमें तो ऐसा नहीं है कि किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल की बात करें तो 50,000 शेयर थे और फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 रुपीज की थी, तो कितने आने थे, 1 लाख रुपीज आने थे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने रुपीज आने थे, 1 लाख। उसमें से कितने पैसे लिए आए, तो क्या लिखा हुआ है देखो, 1,000 इक्विटी शेयर्स ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो 1,000 इंटू में 2, 1,000 इंटू में 2 के हिसाब से कितने पैसे नहीं आए, 2,000। तो 1 लाख माइनस 2,000 कितना हो गया, 98,000 आ गए। और अगर हम बात करें सेकेंड कॉल की, तो सेकेंड सेकेंड कॉल 3 रुपीज की थी, 50,000 इंटू 3 कितने रुपीज आने थे, 1,50,000। कितने नहीं आए भाई, इसने बोला ना 1,500 इक्विटी शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल नहीं मिली, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 4,500, तो माइनस कर दिया इसमें से 4,500, तो कितने पैसे आए, 1,45,500। तो जो पैसे आने हैं हमारे पास उसको कैश बुक में किस साइड पे लिख दोगे, डेबिट साइड पे लिख दोगे। और पैसे कितने वापस करने हैं, 30,000 का रिफंड था, 30,000 का रिफंड था जो वापस करना था है ना, 30,000 का, वो हमने वापस कर दिया 15,000 का, और ये क्या आ गई हमारी बैलेंसिंग। बस ये था कैश अकाउंट। कैटेगरी बनाई नहीं तो फिर ये अभी करना नहीं, हमने कितनी बार ये क्वेश्चन में कर लिया, ये थर्ड वाली जो कैटेगरी है जिसने हमको, हमने इसको कुछ भी शेयर नहीं दिया, इसको क्या करना है, रिफंड 5,000 इंटू 3। ठीक है, जनरल एंट्री पास करोगे बताऊं। अब जो जनरल एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे हमें चाहिए थे ना, शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे चाहिए थे, 50,000 शेयर थे इंटू में 3 के हिसाब से, 1,50,000 यहाँ पर गया। हम जैसे अभी तक पास करके आ रहे हैं, वैसे भी जनरल एंट्री अगर पास करनी है, वैसे भी जनरल एंट्री आप पास कर सकते हो। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आप कितना लिख सकते हो, 1,95,000। जब कैश बुक बनी है तो, अरे तो कैश बुक में दो कॉलम नहीं बनते, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, तो इसमें सिर्फ किसका कॉलम बना हुआ है, बैंक कॉलम ओनली। तो ये बैंक का ही तो कॉलम है बाबू, लिखा तो हुआ है बैंक कॉलम ओनली। क्या करूँ तेरा, तेरे को भी पेंट करवा दूँ इस दीवारों के साथ, हैं तेरे को भी दबा देता हूँ इस दीवार। हर एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट ही हो रहा है ना, पहली एंट्री के अंदर जो पैसे जो आ रहे हैं, कोई से भी एंट्री कर लो तो हमेशा से बैंक को डेबिट कर रहे हो, नहीं कर रहे, पैसे आ रहे एप्लीकेशन में नहीं, जब भी स्टार्ट कर रहे हो, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो नहीं कर रहे, तो तोड़ दे कोई बात, जब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा।
तो बेसिकली इन्होंने ऐसा फॉर्मेट बना रखा ना, यहाँ पे देखो क्या कर रखा है हमने, जब भी आप कैश बुक आप बना रहे हो, कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम बना रहे हो, आप किसका कॉलम बना रहे हो, बैंक का कॉलम बना रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा कौन सी जनरल एंट्री से पास करोगे, सेकंड वाली जनरल एंट्री है ना, सेकंड वाली जो जनरल एंट्री होती है वो क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन के पैसे बढ़ते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, तो यहाँ पे कितना पैसा जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, भाई आपके पास 50,000 शेयर ही थे ना, इंटू में 3 के हिसाब से कितने पैसे गए, 1,50,000, 1,50,000। अब पहली वाली जो एंट्री होती है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो किसके अंदर पास हो गई, इस वाली बुक्स के अंदर हमने पास कर दी, तो उसको आपको अब जनरल एंट्री में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जो दूसरी एंट्री जो होगी वो किस चीज की होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। अब 30,000 का एडवांस आया था नहीं आया था, हम इन्हीं सब चीजों को एक एंट्री में दिखाते थे, अब इसने एंट्रीज को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, आप चाहे तो उसकी एक ही एंट्री पास कर सकते थे ना, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने वो स्प्लिट करके दिखा दिया, ठीक है। हम एक एंट्री पास कर देते, हम कैसे कर रहे थे अगर मैं बताऊं, हमारी पुरानी टेक्निक जो थी अभी तक हम जो कर रहे थे, हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1,95,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 1,95,000, ये करते थे, टोटल ये तो पैसे आए ना हमारे पास पहले 65,000 शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हम पूरा बाइफरकेट करके दिखाते थे कैसे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,95,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,50,000, बैंक से कितना रिफंड बताया अभी हमने, 15,000, अलॉटमेंट का कितने एक्स्ट्रा पैसे आ गए, 30,000, मैच कर रहा नहीं कर रहा, 150 + 30 = 80 और 195, हम ये वाली एंट्री कर लेते। अब इसने सिर्फ क्या करा है ना, इसने ये वाली एंट्री पास करी, कहाँ से स्टार्ट करा इसने, ये वाली एंट्री इसने पास नहीं करी, कौन से, जब आप क्या बना रहे हो कैश बुक बना रहे हो, तो डायरेक्ट किससे स्टार्ट करा इसने, इस वाली एंट्री से स्टार्ट करा, सेकेंड वाली। और शेयर कैपिटल में कितने पैसे जा रहे हैं, 50, और अलॉटमेंट पे कितने पैसे जा रहे हैं, 30, तो इसने इसको स्प्लिट करके दिखा दिया, इसकी एक अलग एंट्री पास कर दी, इसकी एक अलग एंट्री पास कर दी, बस आप चाहे तो कंबाइन एंट्री पास कर दो उसको, 150 और 30 करके दिखा दिए। अब अलॉटमेंट तो कितने से ड्यू हो गया ना, पूरे 2 लाख से, भाई 50,000 इंटू में 4, जिसमें 2 रुपए किसके हैं शेयर कैपिटल के और 2 रुपए किसके हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के, और बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में पैसा, हाँ यहाँ पे जितनी भी बैंक की एंट्रीज होगी वो आपको पास करने की जरूरत नहीं है, तो सारी की सारी किसमें पास होगी ऑलरेडी, यहाँ पर होगी ना, तो अब आप किसकी एंट्री कर दोगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दो, हम बैंक की जो एंट्री है ना बैंक अकाउंट डेबिट वो पास नहीं करते, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी किसमें शो कर दिया, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में दिखा दिया, जनरल एंट्री से दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ किसकी एंट्री पास करी, ड्यू की, जो पैसे आ गए उसकी एंट्री हमने पास नहीं करी, फिर ऐसी फर्स्ट कॉल को क्या कर दोगे, ड्यू, और फर्स्ट कॉल में क्या है, कौन सी ने दिया, कितने रुपए का, 2,000 का, भाई 1,000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपए के हिसाब से 2,000 नहीं पे करे, तो कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया उन्होंने, कॉल्स इन एरियर्स टू फर्स्ट कॉल, और ऐसी सेकंड कॉल कितने की दी थी, भाई 50,000 इंटू में 3 के हिसाब से कितना, 1,50,000, और इसमें कॉल्स इन एरियर्स कितना था, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 4,500। अब क्वेश्चन में बोल रखा है क्या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है, नहीं बोल रखा, तो ये आपकी मर्जी, आपको ओपन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, तो ये दो एंट्री से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम लगभग लगभग कितनी इलस्ट्रेशन, तो बाकी की जो इलस्ट्रेशन है ध्यान से सुनो मेरी बात, जो कैश बुक वाली जो इलस्ट्रेशन जो है इजी इजी थी है, मैंने समझा दिया आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 23 ये वाली ग्रैंड लिमिटेड ऑफरिंग, ये होमवर्क में करोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, ये वाले का तो मेरे को करना है अच्छे से चेक, और जिसका भी होमवर्क नहीं होगा ना, मैं क्लास सच्ची बता रहा हूँ, मजाक से हटके मैं क्लास एंटर नहीं करने दूंगा। तो जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट करा था कॉल्स इन एरियर्स, उसके अंदर क्या था, सामने वाले से हमने पैसे मांगे उसने पैसे नहीं दिए, एक होता है कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, ऐसे लोग तुम्हें भी अच्छे लगेंगे, सबको ही अच्छे लगते हैं, इसमें क्या होता है आपने मांगे उससे एप्लीकेशन मनी, कि भाई तू तो एप्लीकेशन मनी दे दे मेरे को कितने, 3 रुपए, और अलॉटमेंट मनी कितनी थी मान लो 5 रुपीज की, आपने मांगी कितनी, एप्लीकेशन, सामने वाले बंदे ने बोला यार फिर तू तो अलॉटमेंट मांगने के लिए आ जाएगा, एक काम कर तू अलॉटमेंट के भी पैसे अभी रख ले, तो उसने एप्लीकेशन के अंदर ही किसके पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, या फर्स्ट कॉल के भी पैसे एडवांस में दे दिए, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन
एडवांस, समझे मेरी बात? नहीं समझे? ठीक है चलो देखो, अब इसके अंदर भी क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके अंदर भी आपका ऑप्शन है कि कॉल्स इन एडवांस आपको अकाउंट ओपन करना है कि नहीं करना है। अगर करना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, आप जनरल एंट्रीज में ओपन करके दिखा सकते हो, अदरवाइज आप विदाउट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके आगे चल सकते हो। तो कॉल्स इन एडवांस किसने पैसे दिए? शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए ना एक्स्ट्रा, किसको? कंपनी को। तो यहाँ पे अगर हम डेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे, कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कौन अब इंटरेस्ट कौन पे करेगा? देखो कॉल्स इन एडवांस में कौन इंटरेस्ट पे कर रहा था? शेयर होल्डर। अब यहाँ पे कौन पे करेगा? कंपनी। और कितना होता है ये? 12%। और वो कितना था? 10%। तो कॉल्स इन एरियर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% था, और कंपनी कितना कर दे अपना? 12%। अब देखो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 28, द केरला कॉयल मिल्स लिमिटेड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स और 10 each इशूड। अभी देखो कितने शेयर्स जो मैक्सिमम मार्केट में सेल ऑफ कर सकता था? 5 लाख। अभी कितना सेल कर रहा है? 2 लाख इक्विटी शेयर। 3 रुपीज एप्लीकेशन पे लेगा, 2 रुपये अलॉटमेंट पे लेगा, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे लेगा, एंड 2 रुपीज ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल पे लेगा। तो 3 + 2 + 3 कितना? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा हो गया। आगे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव ऑन द फर्स्ट कॉल बी मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 इक्विटी शेयर पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। तो एक शेयर होल्डर ऐसा था जिससे जब मैंने उसे फर्स्ट कॉल मांगी ना, उसने मुझे सेकंड कॉल के भी पैसे साथ में दे दिए। किसके साथ? फर्स्ट कॉल के साथ। व्हाइल 5 शेयर होल्डर विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन देयर इक्विटी शेयर। ध्यान से देख रहा, एक बंदा ऐसा था जिसके पास कितने शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम ही सेकेंड कॉल का भी पैसा हमें दे दिया था। और 5 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनके पास कुल मिला के कितने शेयर थे? 10,000 शेयर। उन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसे नहीं दिए। देखना है क्या? ठीक है, इतनी बात समझे? नहीं समझे? तो देखो क्या होगा, तो शुरू तक का तो बहुत सिंपल है, शुरू का तो बहुत सिंपल है। बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे भाई? कितने शेयर्स आप लोगों ने बेचे? 2 लाख × 3, 2 लाख × 3। तो 2 लाख × 3 के हिसाब से कितना हो गया? 6 लाख रुपीज आ गए। कंपनी हैज नॉट डिमांडेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान से देख लेना, कंपनी ने अभी सेकंड कॉल का डिमांड नहीं करा, तो सेकंड कॉल की जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। आगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला गया? 6 लाख। अलॉटमेंट कितने से डी होगी भाई? 2 लाख शेयर से। और अलॉटमेंट कितने की थी? 2 रुपीज की। तो 2 लाख × 2, 4 लाख की ड्यू थी, 4 लाख रुपए आ गए। अब फर्स्ट कॉल कितने से डी होगी? 2 लाख शेयर। और फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 रुपीज की थी सर। तो ड्यू कितना करा? 6 लाख। अब ध्यान से देखना, इस एंट्री के अंदर बस एक कैच है। क्या कैच है? एक बंद टोटल कितने पैसे आने थे आपके पास? 6 लाख। टोटल आपके पास जो आना था 6 लाख था फर्स्ट कॉल का। एक्स्ट्रा मनी कितनी आई? एक्स्ट्रा मनी कितने? एक शेयर होल्डर था 6,000 जिसके पास शेयर थे। हेलो 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 हेलो, टोटल कितने पैसे आने थे फर्स्ट कॉल के? 6 लाख। सेकेंड कॉल के सॉरी 6 लाख आ गए थे। उसमें एक्स्ट्रा मनी किसने पे कर दिया? एडवांस में किसने पे करा? एक शेयर होल्डर था जिसके पास 6,000 शेयर थे, और उसने सेकंड कॉल कितने की थी? अरे चेक क्वेश्चन तो देखा, कितने की थी? 2 रुपए। कह रहा पता नहीं कितने की। कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं करते, बस भजनों की तरह सुनने लग जाते हैं। बस कितना टोटल कितने पैसे आने थे? 6,12,000 आ गए। और कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिनके पास, 5 शेयर होल्डर्स जिनके पास टोटल कितने शेयर थे? 10,000 शेयर। और उन्होंने कितने पैसे नहीं पे करे फर्स्ट कॉल? क्या नहीं पे करा उन्होंने? सेकंड कॉल ना, नहीं सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल थी ना, सॉरी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी ना। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज के हिसाब से, 3 रुपीज के हिसाब से टोटल कितने नहीं आए? 30,000। तो 1 लाख, 6,12,000 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा? 12 और 18 गए 5,82,000। कितना आएगा? 5,82,000। तो टोटल अगर आप देखोगे बैंक में कितने पैसे आए आपके पास? 5,82,000, जिसमें से कॉल्स इन इडियट जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो कितने थे? 30,000। 10,000 शेयर होल्डर्स × 3। एडवांस वाले कौन थे जिसने सेकंड कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल में दे दिए? एक ही बंदा था, 6,000 × 2, 12,000। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा? 6 लाख रुपये। चलो बताओ, बस यही तो है, और कुछ भी नहीं। बस एक आपको कॉल्स इन एडवांस देखना है, और आपको कॉल्स इन एजेंट के ऊपर फोकस करना है।
टोटल आपको पता होना चाहिए बैंक में कितने। और अगर आपको कॉल जनरेटेड अकाउंट ओपन नहीं करना, एडवांस अकाउंट भी ओपन करना, तो चुपचाप कौन सी एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 5,82,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 5,82,000। तो आपको ना तो एरियर्स अकाउंट ओपन करना पड़ता ना एडवांस, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलते हैं एरियर्स ओपन करो एडवांस ओपन करो तो करना पड़ेगा। और वर्किंग समझ गए ना, तुम्हारे पास कितने आने थे 6 लाख, तो क्या कुछ ऐसे कोई टेक्निकल वर्किंग नहीं है, एक्स्ट्रा कितने आ गए, 1 शेयर होता था 6,000 शेयर पे 2 रुपये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के पे कर दिए फर्स्ट कॉल के टाइम। ठीक है बोलो समझे? अब अगर समझ गए तो इलस्ट्रेशन नंबर 29 होमवर्क मार्क कर लो। बस खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास से जो हम स्टार्ट जो करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।